हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:10 और टेम्परेचर हल्की हल्की सी ठंड लग गई है और हम अभी निकल रहे हैं अपनी ट्रिप पे। कहाँ निकल रहे हैं ट्रिप पे और ये आपको पता लगेगा आगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आगे पूरी वीडियो देखना, ठीक है? चलो चलते हैं। ये है हमारी बन्नो ट्रिप के लिए तैयार और ये है हम खुद मायसेल्फ चल रहे हैं।
30 रुपये दिए, 50 दिए मैंने इनको, 30 रुपये मेरा काम हुआ है अभी, सिर्फ हमने ये जो है मेरा टाइट करवाया है। चलो जी भैया, धन्यवाद। हाँ सर, और अब हमने जो है करा लिया अपना टैंक भी फुल, अपना शीशा भी टाइट। बन्नों का साइड शीशा थोड़ा सा लूज़ हो गया था यार, लूज़ क्या निकल ही गया था अभी आपने देखा था। और अब हमको बस चलना है, और ये रुड़की है शायद, हम रुड़की में चल रहे हैं। यहाँ से हमको 1.25 घंटा लग जाएगा मेन अपने डेस्टिनेशन में पहुँचने में, हरिद्वार। चलो जी, गोप्रो की बैटरी थोड़ी कम हो गई है और गर्म भी हो गया मेरा गोप्रो थोड़ा सा, क्योंकि अभी मैं रुका हुआ था, तो आगे ऑन करते हैं। बताओ बताओ ऑडियो कैसा आ रहा है और मेरा फ्रेम वीडियो में कैसा आ रहा है, वीडियो फ्रेम कैसा आ रहा है। ओ नो माय गॉड, इतना लंबा पैच रोड पे, हरिद्वार 23 किलोमीटर, ऋषिकेश 61, देहरादून 79। ये सिर्फ सड़कें ही नहीं हैं, राष्ट्र का निर्माण भी करती हैं। बिल्कुल करती हैं भाई, उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा निर्माण होता है, क्योंकि उत्तराखंड चलता है हमारा पूरा टूरिज्म बेस पे, और अगर हम जाएंगे नहीं, वहाँ रहेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, पियेंगे नहीं, तो फिर कैसे। और जाने आने के लिए तो सड़कें होनी बहुत ज़रूरी है ना। भारा सड़कें ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण भी करती है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सही है, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है मेरा कैमरे का ना फ्रेम थोड़ा सा टेढ़ा है, यहाँ से ठीक है, ये सीधा है ना, राइड करते टाइम फ्रेम चेक करना सो डेंजरस। रुकूंगा कहीं तब करूँगा ठीक से, चलते टाइम नहीं करना यार। यहाँ से 38 किलोमीटर, क्या बात है, बस थोड़ी देर का और इंतज़ार, फिर तो हमें दर्शन हो ही जाएंगे हर की पौड़ी के। देखो अगर आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज में हरिद्वार घूम लिया जाए, और नीलकंठ भी शाम तक अगर हम घूम लेते हैं, तो कल हमारे पास पूरा दिन है, कल का हम कुछ और प्लान कर सकते हैं। बाकी प्लान तो ये था कि एक दिन आने के लिए, एक दिन घूमने के लिए और एक दिन जाने के लिए, पर आते आते टाइम ही अगर हम सेम डे घूम भी लेते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ही बढ़िया रहेगा। देखते हैं क्या रहता है, क्या प्लान है यार। मेरे हेलमेट पर अभी बहुत ज़ोर से कुछ लगा, अब क्या लगा ये नहीं पता। ओह माय गॉड, पता नहीं क्या लगा है मेरा हेलमेट पे, बहुत ज़ोर से लगा है। ये देखो लोगों के पास एक तो दो दो बैठ के ड्राइव कर राइड कर रहे हैं, फिर हेलमेट भी नहीं है, और फिर गलत जगह से रोड क्रॉस कर रहे हैं। और ये दोनों बहन भाई, वाह, एक के पास भी हेलमेट नहीं है, ये देखो एक्टिवा को भगाते हुए, और एक हाथ से स्कूटी चला रहे हैं और एक हाथ से अपने हाथ साफ करते हुए, वाह। और अब यहाँ से जो है हरिद्वार की खूबसूरती आपको देखने को मिलती रहेगी, लोगों ने क्या बढ़िया बढ़िया मकान बना रखे हैं। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, ये कुछ तो है पतंजलि का, क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, क्या बात, पतंजलि ब्रांड है भाई, पतंजलि गब्बर बन गया है। तब मुझे टोल मिला था, और एक ये दूसरा टोल मिल रहा है यहाँ पे, उससे बीच में कोई टोल ही नहीं मिला है, क्योंकि हम हाईवे पे नहीं आए हैं, या फिर हम हाईवे से बच के निकले हैं। देखो हमारी स्कूटी का तो कोई टोल टैक्स होना नहीं चाहिए बन्नों के लिए। बन्नों को जगह है, बे महाराज फैंचो गंद मचा रखे, चूतिया थूकता जा रहा है, बिना हेलमेट के चल रहा है। के पास वाली कोई जगह है, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि
महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ के चलते हरिद्वार को ये रेड और वाइट पट्टी में सजा दिया गया है। मतलब सड़कें साफ़ कर दी गई हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर दी गई हैं, काफ़ी साफ़ सफाई तो है महाकुंभ के टाइम पे। और मेरे को जो जाना है वो अभी एक लोकेशन पे जाना है किसी दोस्त के यहाँ, और उसके साथ मिल करके फिर वो मुझे हरिद्वार घुमाएंगे। एक स्पेशल दोस्त है जो लास्ट टाइम मिले थे, तो उनसे बातचीत हुई थी जब मैं फर्स्ट जो मैं अपनी ट्रिप पे आया था उस ट्रिप पे वो मेरे को मिले थे। उसके बाद फिर एक ट्रिप पे और गया था मैं उनके साथ, और अब ये वाली ट्रिप है। ये तो खैर मेरी सोलो ट्रिप है क्योंकि मैं अकेले जा रहा हूँ, वो बीच में मुझे मिलने वाले हैं। देखो उनकी लोकेशन उन्होंने मुझे भेजी है, 10 मिनट का टाइम है, फिर मिलते हैं उनसे और फिर आपको भी मिलवाएंगे।